हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट के एक यूट्यूबर्स के बारे में जिसका नाम है मोनू देओरी। तो मोनू देओरी कौन है? मोनू देओरी एक गांव मतलब नॉर्थ ईस्ट के एक गांव का एक लड़का है, सीधा साधा लड़का है जो एक गाँव में रहता है दोस्तों, जहाँ पे नेटवर्क भी सही से काम नहीं करता है। तो दोस्तों उसका घर एक गाँव में है जहाँ पे एक नेटवर्क भी काम नहीं करता। अपने यूट्यूब के लिए वो अपने घर छोड़ के दूसरे अपने चाचा चाची के साथ रहता है, अंकल आंटी के साथ रहता है दूसरे घर में जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क अच्छा चलता है दोस्तों। तो वो सबसे पहले उसने टिकटॉक बनाते थे, पहले टिकटॉकर्स था जो वो टिकटॉक में वीडियो डालते थे, तो वो टिकटॉक में भी बहुत फेमस था। तो दोस्तों जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद टिकटॉक को छोड़ के वो यूट्यूब में आया। तो यूट्यूब में जब आया तो जितने भी उसका मतलब टिकटॉकर्स फॉलोअर्स थे उन सब ने मतलब मोनू देओरी को फॉलो किया, सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्राइब करने के बाद वो अच्छे तरीके से उसका चैनल ग्रो हुआ दोस्तों। तो वो अच्छे अच्छे ट्रिक मतलब वीडियो बनाने लगे, तो वो जैसे कि बहुत सारे ब्लॉग्स बनाते हैं, डेली लाइफ के बारे में बनाता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनाते। तो ये छोटा सा एक गाँव का लड़का जो हम लोग को एक यहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है इस जो मोनू देओरी से कि एक छोटा सा गाँव का लड़का जो अभी इतना बड़ा मतलब यूट्यूबर बन चुका है दोस्तों। तो दोस्तों एक मेहनत जिसकी उसका जो मेहनत है, मेहनत क्या होता है, रंग लाता है। तो धीरे धीरे अभी वो मतलब अभी मुंबई तक पहुंच गया। अभी हाल ही में आप लोग अभी रिसेंटली आप लोग देख रहे हो कि मोनू मुंबई पहुंच गया है। हो सकता है वो बॉलीवुड में भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जब उसको बुलाया गया है, इंडियन जो भारती मैम है वो उसने उसको बुलाया है मिलने के लिए मुंबई, तो वो गया है मुंबई। लेकिन रिसेंटली मैंने जब उसका वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसके पास भारती मैम का एड्रेस ही नहीं है। तो बहुत दिन से वहाँ पे हैं, अभी रह रहे हैं, वो दिल्ली गए, दिल्ली के बाद आसाम गए, आसाम के बाद मुंबई चला गया है। तो दोस्तों अभी वो थोड़ा उसको सब लोग सपोर्ट करें, क्योंकि वो छोटे से जो गांव के लड़का जो इतना बड़ा काम करने जा रहा है, वो अपने बलबूते पे अपना कोई उसका सपोर्टर्स नहीं है, वो जो उसका घर के बैकिंग नहीं है, फिर भी वो मुंबई तक पहुंच गया है दोस्तों। तो वो बहुत सीधा साधा जो बहुत इनोसेंट एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, और उसके उसमें बहुत सारे टैलेंट भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है जिसके कारण वो बहुत फेमस हुआ है मतलब पूरे हमारे इंडिया में। तो उसका लाखों मिलियन सब्सक्राइबर है दोस्तों, तो मैं भी एक सब्सक्राइबर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो हर जो मूवमेंट होता है, बातें करने का ढंग है, वो जो भी बनाता है दोस्तों, इतना इंटरटेनिंग होता है तो पता ही नहीं चलता है कब उसका ब्लॉग ख़त्म हुआ, कब उसका वीडियो ख़त्म हो गया, वो पता ही नहीं चलता, इतना अच्छा बनाते हैं दोस्तों। सारे नॉर्थ ईस्ट के छोटी छोटी मूवियों में वो एक्टर के रूप में काम कर चुका है। तो रिसेंटली मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें वो वहीं के मध्य नॉर्थ ईस्ट के कोई मूवी में वो एक टीचर के रूप में मतलब कैरेक्टर निभा रहा था। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस है इसके बारे में, वो कर सकता है, अगर बॉलीवुड में भी चला गया तो भी वो कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए जैसे कोई भी जैसे कि हीरो हो, कोई भी आप बॉलीवुड में देख सकते हो उसके लाइफ स्टोरी जो हम लोग मतलब बहुत सारे सुन चुके हैं, जो एक छोटे से जादू दिखाने वाला भी बहुत बड़े बड़े हीरो बन चुका है दोस्तों। तो गॉड ने किसी न किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया गया होता है दोस्तों, तो उसको सिर्फ पहचानने का ज़रूरत होता है, बाकी खुद ब खुद रास्ता निकल जाता है दोस्तों। तो अंदर हिम्मत होना चाहिए, जैसे मोनू देओरी का वैसे ही सबके पास हिम्मत होना चाहिए। हम लोग को ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, सब नहीं। एक मोबाइल के भरोसे मोनू देओरी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए दोस्तों, कैसे मतलब उसको देख के भी थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जितने भी अभी नए यूट्यूबर्स है तो हार कभी नहीं मानना है दोस्तों, और हार मानेंगे अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं कर पाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो हम लोग को भी उसको देख के हम लोग को सीख लेना है कि जो मेहनत कैसे रंग लाता है दोस्तों। तो वो भी क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फ़ोन था उसके पास, उसी फ़ोन के मदद से वो आज इतने बड़े यूट्यूबर्स बन चुका है।
तो दुनिया भर में उसको पहचानता है, हमारे पूरे देश में कहीं भी जाओ उसको कोई भी सभी लोग पहचानते हैं दोस्तों। तो उसने अपना पहचान बनाया अपने एक छोटे से गांव में। आप सब लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो हेटर्स है, बोलते हैं कि वो एक झोपड़ी में रहता है दोस्तों। तो आप देखिए, रहना खाना जैसी भी हो दोस्तों, वो एक गरीब घराने से बिलोंग करता है, तो हमेशा गरीब तो वो रहेगा नहीं ना। अभी धीरे धीरे वो यूट्यूब यूट्यूब से बहुत सारे यूट्यूब से कमा रहा, हो सकता है कि वो चाहे तो अभी घर भी बना सकता है दोस्तों। तो क्या है, घर घर देखने से कुछ नहीं, उसका टैलेंट देखो ना। क्यों घर देखते हो यार, टैलेंट देखो उसका, क्या टैलेंट है, उसने बोलने का क्या है, कैसे टैलेंट है उस लड़के में, वो सब देखो। है मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।